लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है। दश लक्षण का ये बगीचा कितना सुंदर लगता है। भादो शुक्ला पंचमी से चौदस तक यह सजता है। शांति नाथ जिनके पद पंकज जो बाबे पूजे मन वचकार, जन्म जन्म के पातक ताके तन चिन तज के जाय पलार। मनवांचित सुख पावे सुन पाचे भगत भावे अति लाल, ताते वृंदावन नित बंदे पुष्पम जलिम छिपे संघर्षो में उपसर्गो में तुमने समता का भाव धरा। आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्ट द्रव्य से पूजा का सुविताल सजा कर लाया। जो पद भी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। ओम ब्रह्म श्री पाणशना सिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति स्वाहा। जय चित्तल जनप्तमा समय आत्र अवतरोतर शंभो सटि आवाहनम। ओम ब्रह्म श्री पंचमुर संबंधी असिन चित्तल जनप्तमा समय आत्तो तिष्ठो तिष्ठो ठाठाय स्थापनम। ओम ब्रह्म श्री पंचमुर संबंधी असिन चित्तल जनप्तमा समय आत्र मम सन्नतो भव भव सर सन्निधि करणम छै। चले शीतल मिष्ट सुवास मिला, जल सो पूजो सिर दिन राय महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो, पाचो मेरु ऐसी जिन राम, सब प्रतिवाज को करो प्रणाम महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो। ओम रीम सुदर्शन विजय चल मंदिर विद्वन माली पंचोर समय चित्ताल जनवी भोजन तो विनाशना जलम निर्पामित। जल के सर कर पूर मिलाल, गंध सपूजो सिर जिन राय महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो, पाचो मेरु ऐसी जिन राम, सब प्रतिमाज को करो प्रणाम महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो। ओम
प्रेम श्री पंचमोड़ संबंधित चिंता लहजने भू संसार ता विनाशन चंद्रम निरपामिति अमल अखंड सुगंध सुहाग अक्षत सपूजो श्री जिन राय महा सुख हो एके नाथ परम सुख होए पाछो मेरु ऐसी जिन दा सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने भू अक्षत प्राप्त अक्ष स्थान नरव पामिति वरण अनेक रहे महकार फूल सपूजो सिर जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पाचू मीरु ऐसी जिन राम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने भू कामण विध्वंसन पुष्पम निरपामिति मन वांछित बहु तुरत बनाय चरसो पूजो श्री जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पाचो मेरु ऐसी जिन राम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने गोचर रोग विनाशन वेथम निरपामिति तम हरो उज्ज्वल ज्योति जगाय दीप सपूजो श्री जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पाचो मेरु ऐसी जिन राम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने भू मोहंतकर विनाशन दीपम निरपामिति हे वो अगर अमल अधिकार धूप सपूजो श्री जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पाचो मेरु ऐसी जिन राम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने भ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामिति सुरस सुवर्ण सुगंध सुहाय फल सो पूजो श्री जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पाचो मेरु ऐसी जिन राम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो ओम रीम श्री पंचमुड़ संबंधित चित्ताल सजने भ्यो मोक्षफल प्राप्ते फलम निरपामिति आठ दरब मय अर्घ बनाय ज्ञानत पूजो श्री जिन राय महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो प्रथम सुदर्शन स्वा विजय अचल मंदर कहा बिंदु न मन से फेर ले माला प्राणी रे प्राणी डमोकार की मन से फेर ले माला रोग शोक दुख दारिद नासे नासे पाप ये काला बोलो आदिनाथ की मेरु भी राजे पत्र साल
बन भू पर जाजे जे त्याले चारो सुखकारी मन बच तन बंदी ना हमारी ऊपर पंच तक पर सोहे नंदन बन देखत मन मोहे ते त्याले चारो सुखकारी मन बच तन बंद नाम हमारी पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय साढ़े बासठ सह से ऊंचाई बन सुमनस सोभे अधिकाई जे त्याले चारो सुखकारी मन बच तन ना हमारी चारों मेरु समान बखाने चारों मेरु समान बखाने ऊपर हद साल चहु जाने छे चाले सोले सुखकारी मन बच तन बंद ना हमारी छे चाले की जय बोलो पंच मेरु की जय बोलो आदिनाथ की जय बोलो पंच मेरु की सतक पर भागे चारों नंदन बने अभिलाके जे त्याले सोले सुखकारी मन बच तन वंदना हमारी साढ़े पचपन सहसी उतंगा मन सोमन सितार बहुरंगा जे त्याले सोले सुखकारी मन बच तन वंदना हमारी ओचे अठाईस सहस बताए ओचे अठाईस सहस बताए मन सुख गाए जे त्याले सोले सुखकारी मन बच तन बंद ना हमारी सुर नर तारन बंदन आवे सो सो बाहम की मुख गावे जे त्याले असी सुखकारी मन बच तन बंद ना हमारी पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय बोलो पंच मेरु की जय पंच मेरु की अर्घ ले लेंगे ये अर्घ चढ़ा रहे हैं पंच मेरु के लिए किसके लिए पंच मेरु के लिए अर्घ चढ़ाया जा रहा है और आपके सामने मंडल पर पांच मेरु रखे हुए हैं। पहला जो आपको बीच में मेरु दिखाई दे रहा है ये मेरु 1,00,000 योजन विस्तार का है। कितना 1,00,000 योजन विस्तार का है जिसकी नींव 1,000 योजन की है। 1,000 योजन इसकी नींव है और 99,000 योजन ऊंचा है और 40 योजन की इसकी चोटी है। चोटी यानी शिखर जो आपको ये दिखा रहे ना ये शिखर जो मंदिर की तरह दिखा रहे ये शिखर ये है 40 योजन की। और इसमें कितने विशाल मंदिर हैं 4 वन हैं। कौन कौन से वन याद रखना जो डायरी लाए हैं लिखते रहना यही प्रश्नोत्तरी में हम पूछेंगे। सबसे पहला भद्रसाल वन के समीप मेरु का विस्तार है 500 योजन का। फिर वहां से नंदन वन और नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर है सोमनस वन और सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचा है पांडुक वन। कितने वन हुए 4 वन हुए भद्रसाल वन नंदन वन सोमनस वन और पांडुक वन। तो इसकी ऊंचाई अलग अलग है ना यथाक्रम से 100 योजन 500 फिर 62,500 और 36,000 यानी भद्रसाल वन से यहाँ 1,000 योजन का है। फिर वहाँ से ऊपर 500 योजन भद्रसाल वन है फिर वहाँ से 62,500 योजन का नंदन वन है फिर 36,000 योजन का सोमनस वन है ऐसी फिर लास्ट में पांडव वन है। इस चारों के चारों वन बहुत सुंदर हैं और बहुत विशाल हैं और इन वनों में एक एक मंदिर है। कितने मंदिर हैं एक एक वन में एक एक दिशा में एक एक मंदिर है।
एक वन जैसे भद्रशाल वन है तो भद्रशाल वन में पहला मंदिर पूरब की तरफ है, दूसरा दक्षिण की तरफ है, तीसरा पश्चिम में, चौथा उत्तर में। एक वन में चार मंदिर हैं, फिर दूसरे मंदिर में भी चार मंदिर, तीसरे वन में चार मंदिर और चौथे वन में चार मंदिर, कितने मंदिर हो गए? सचिन भैया आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? कोई परेशानी है क्या? हाँ तो चेहरा खुला हुआ रखो, कोई गम हो तो मेरे को बताओ, है ना? चेहरा खिला हुआ होना चाहिए तब पूजन में मन लगता है। अगर आपका चेहरा मुरझाया रहेगा तो मेरा भी मुरझा जाता है, और आपका खिला रहेगा तो मेरा भी रहेगा। भगवान की पूजन, कल हमने नियम दिला दिया था, किसका? प्रसन्न रहना है, भगवान की पूजन करना है। कोई आप शब्द भी बोल दे तो उसको सुनना नहीं है, सुन भी लो तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, है ना? तो ये जो मेरु है ये ऐसे चार वन है, और चारों वनों में एक एक दिशा में एक एक मंदिर, तो सुदर्शन मेरु में कितने मंदिर हो गए? 16 मंदिर हो गए। कितने मंदिर? 16 मंदिर हो गए। और 16 मंदिर छोटे छोटे मंदिर नहीं है, एक मंदिर 1200 किलोमीटर का है, 100 योजन का। कितना? 100 योजन, यानी 1200 किलोमीटर लंबा और 600 किलोमीटर चौड़ा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन ऊंचा, इतना बड़ा एक मंदिर है। और एक मंदिर में 108 वेदी हैं। कितनी? 108 वेदी हैं, और एक वेदी पे एक ही प्रतिमा होना चाहिए। कितना? एक वेदी पे एक प्रतिमा होती है आगम का उल्लेख के अनुसार से, दो प्रतिमाएं, तीन प्रतिमाएं, चार प्रतिमाएं नहीं होती, एक वेदी पे एक ही प्रतिमा होती है। जितने भी अकर्तन जिनालय हैं इन सभी में एक वेदी पे एक प्रतिमा है, और प्रतिमा छोटी सी नहीं है, पद्मासन अवस्था में 500 धनुष की है। कितनी? 500 धनुष। एक धनुष कितना होता है? 6 फीट का होता है। कितना? 6 फीट। आप ऐसे हाथ कर लो, 6 फीट हो गए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हुआ? 1 फीट, है ना? एक हाथ, ये हाथ हुआ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक हाथ हुआ, और एक हाथ में 1.5 फीट होता है। कितना? एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो एक हाथ और इसको डबल कर लो तो 2 हाथ, और 2 हाथ ऐसे हो गए, कितने हो गए? 4 हाथ हो गए। 4 हाथ हुए, 4 हाथ को एक हाथ में 1.5 फीट, तो कितने हो गए? 6 फीट हो गए। 6 फीट का एक धनुष हो गया, और ऐसे 500 धनुष कितने फीट हो गए? 3000 फीट हो गए। कितने? 3000 फीट ऊंची एक प्रतिमा होती है ना, अकर्तम जनालय में, है ना? और वो प्रतिमा कैसी? स्फटक मणि की होती है, और इतना प्रकाश उससे आता है कि करोड़ों सूर्य भी एक साथ प्रकाश डालें तो उनका प्रकाश फीका पड़ जाता है, ऐसी वह प्रतिमा है। जहां पर भगवान की भक्ति अर्चना करते, जब इंद्र अष्टानिका पर में जाते हैं नंदीश्वर दीप, तो सबसे पहले मेरुओं की वंदना करते जाते। जैसे आप गाड़ी लेकर के सम्मेद शिखर जी गए, तो क्या सम्मेद शिखर जी सीधे चले जाओगे? रास्ते रास्ते में जाओगे, जितने जितने क्षेत्र पड़ेंगे उनकी भी वंदना करते हुए फिर सम्मेद शिखर जी जाओगे। ऐसे देवतागण अष्टानिका पर में नंदीश्वर दीप जाते हैं, तो सबसे पहले यह मध्य लोक से जब चलते हैं तो कौन सा मेरु पड़ता है? सुदर्शन मेरु। तो सुदर्शन मेरु की वंदना करते हैं, फिर आगे जाकर के दूसरा धात की खंड दीप है, तो धात की खंड दीप में 2 मेरु हैं। कौन कौन से? देखो, ये देखो, 2 मेरु रखे, एक उस तरफ का मेरु और एक इस तरफ का। ये दोनों मेरु धात की खंड में नहीं है, एक मेरु तो धात की खंड में है और दूसरा मेरु पुष्करवर दीप में है। उस तरफ का भी क्योंकि गोलाकार में है, गोलाकार में है, है ना? तो एक गोला में ये 2 मेरु हैं, जो ये दूसरे नंबर का मेरु है ये धात की खंड में है, और उस तरफ का दूसरा मेरु वो भी धात की खंड में है। इस तरफ का लास्ट का और उस तरफ का लास्ट का ये 2 मेरु हैं, ये कौन से दीप में है? पुष्करवर दीप में है। तो पुष्करवर दीप में
की वंदना करते हुए फिर आगे जाते हैं तो चौथे दीप में, पांचवें दीप में, छठवें दीप में, सातवें दीप में कोई मंदिर नहीं है। फिर आठवां दीप आता है नंदीश्वर दीप, है ना, तो आठ में नंदीश्वर दीप। आएंगी ऐसे 1728 एक मेरू में, तो पांच मेरू में कितने हो गई 8640, कितने 8640 प्रतिमाओं को एक साथ अर्घ चढ़ा रहे। ले लीजिए अर्घ। ओम रीम सुदर्शन विजय मंदिर विधन माली पंच मेरु संबंधी जनाल जनभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्णअर्घम निर्विपामी थी स्वाहा। नंदीश्वर दीप का अर्घ ले लें और इसके बाद में फिर पूजा करेंगे 10 लक्षण धर्म की। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पतो ध्यानत की जो शिव के तबो समर्पतो नंदीश्वर सिर जिन धाम पावन पुंज करो बस दिन प्रतिमा विराम ध्यान भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारो निस सोए पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। एक इसका अर्घ चढ़ा रहे हैं नंदीश्वर दीप का, और नंदीश्वर दीप में आप जो देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर चित्तालय आए हैं। ये सुंदर सुंदर चित्तालय कहाँ पर हैं? ये नंदीश्वर दीप में हैं। और नंदीश्वर दीप में कैसे जिनालय, कितना बड़ा नंदीश्वर दीप है कौन बताएगा? 163 करोड़ 84 लाख योजन, ये एक दिशा का है। कितना है एक दिशा में नंदीश्वर दीप? 163 करोड़ 84 लाख योजन, ये विस्तार नंदीश्वर दीप के एक तरफ का विस्तार है। अगर नंदीश्वर दीप की पूरी परिधि नापी जाए तो परिधि है 20 अरब 72 करोड़ 33 लाख 54 हजार 190 योजन। कितनी? 20 अरब 72 करोड़ 33 लाख 54 हजार 190 योजन विस्तार में नंदीश्वर दीप है। और उस नंदीश्वर दीप में 24 घंटे पूजा चलती है, वहां पर रात नहीं होती है, वहां पर सवेरे 6 बजे से पूरब दिशा में पूजा होती है जो 12 बजे तक चलती है, और 12 बजे से शाम को 6 बजे तक दक्षिण दिशा में पूजा चलती है, और शाम को 6 बजे से रात में 12 बजे तक पश्चिम दिशा में पूजा चलती है, और रात के 12 बजे से सवेरे 6 बजे तक उत्तर दिशा में पूजा चलती है। ऐसे 24 घंटे वहां पर पूजा चलती है। तो क्या भूख नहीं लगती? क्या खाना खाने नहीं जाते क्या लोग घर पे? वहां नंदीश्वर दीप में भूख नहीं लगती है किसी को, ना किसी को प्यास लगती है, ना वहां पर कूलर चलाना पड़ता है, ना पंखे चलाने पड़ते हैं, वहां पर एयर कंडीशन व्यवस्था होती है ना। और ऐसे इंद्र ऐसे नहीं जाते वहां पर, सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके जाता है, और ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? 1 लाख योजन का, 12 लाख किलोमीटर का ऐरावत हाथी होता है। कितना बड़ा? हाँ, आपके कौन सा नगर है इसमें तो उसका एक पैर भी नहीं माएगा, इतना बड़ा ऐरावत हाथी जिस पर बैठ करके, और नारियल लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए। ईशान इंद्र हाथी पर बैठ करके सुपारी के गुच्छे लेकर के जाते हैं, और सनत कुमार इंद्र शेर पर बैठ करके आम फलों के 608 जीव नियम से मोक्ष को जाते हैं। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो असंख्यात जाते रहते हैं वहां से, लेकिन कम से कम 608 जीव तो नियम से मोक्ष को जाते ही जाते हैं।
लेकिन सिद्ध शिला में ऐसी शक्ति है कि वहाँ कितने भी सिद्ध जाते रहो वह कभी भरती नहीं है सिद्ध शिला, है ना। तो ऐसे उन सिद्ध भगवान के चरणों में अपन हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे और भावना भाएंगे कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने कर्मों की निर्जरा करके आठों कर्मों को नष्ट करके आठों गुणों को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, एक ना एक दिन ऐसा भी आए कि हम भी अपने कर्मों की निर्जरा करके और एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, सच्चे सुखों को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में आराधना करेंगे। अश्री राजीव घना जुत्ता दंशन निर्णाणे साया रमणाया रा लखण में अंतु सिद्धाड़म मूलोत पढ़े डम बंदोद सत्य कम्यो मुक्का मंगल भूदा सिद्धा टुणा दिदि संसारा अट्ट वे कम्य वेला सीधि भूदान जनाण चा अट्ट गुणा कद के चालो इकड़वा सुनो सिद्धा सिद्धाण ठमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि संभावा त्यौण सिर से हर आपस्यंतो भणायणा सभ्य गमना गमन विमुक्के बेहड़े कम्य पेट संधारा साय संपत्ति ते सिद्धा बंदी मोड़चम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणसण मयाणम कैलोय सेणम नमो से असभ्य सिद्धाणम सम्मतणान दंसन बीरेश मंतव्य भगणम अगर लघु बाबा हम टुकड़ा होती सिद्धाणम तव सिद्धिण सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धिया प्राणम मी दंसन मीया सिद्धि शरणम स्वामी इच्छा मंत्र सिद्ध भक्ति काउ सुख काउ तशालु चिम सम्मणान समय दर्शन समय चांत जत्ताणम अट्ट वे कम विप मुक्काण मट्ट गुण संपर्णान मडुलोय मट्ट मी पैठ्यणम तव सिद्धाणम प्रणय सिद्धाणम सेम सिद्धाणम चैत्य सिद्धाणम अति ताणागत वर्तमान काल तस्धाणम सभ्य सिद्धाणम से अणिश काल मच्छिमी पूजय वंदा नम स्वामी दुख को कम को भोलाओ सुख गमणम समय मणम जन गुण संपत्ति हो मच्छम इति पूर्व चरण के मण सकल गम छातम भापूज वंदना सो समितम श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थम सिद्ध भक्ति कारो सरघम करो मे हम नौ नौ कर मंत्र का जाप करें। सभी के पास इंद्रध्वज महामंडल विधान की पुस्तक हैं, पूजन निकाल लेंगे और इंद्र परिवार आकर के भगवान की भक्ति अर्चना स्थापना करेंगे। पहली पूजा अपन ने कल सिद्ध भगवान की कर ली थी और आज समुच्चय पूजा इंद्रध्वज मंडल विधान की समुच्चय पूजा करेंगे। पूजन नंबर दो, भक्तों ने मिल करके ये विधान रचाया है, भक्तों ने मिल करके ये विधान रचाया है, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु
Thank you.
Okay.